you can quickly collect your copies and get them signed today itself. Yes, Sanjeev sir is here, Mickey sir is here. They are going to sign the copies for you. Balanced nutrition सबके लिए balanced. Naturally बच्चे जो हैं जो growing stage में होते हैं तो उनको जो growth nutrients से बोलते हैं protein is a growth nutrient primary growth nutrient. तो protein rich नेचुरली जो चीज़ें मैंने पहले आई डोंट नो आप थे नहीं जब मैंने पांच चीज़ें जो बताई वो ज़रूर पहले फॉलो करें फ्रेश सीजनल एंड लोकल वो ज़रूर उस पर ध्यान दें खाना चबा के खाएं और उसके साथ में जो खाने की जितनी चीज़ें बहुत जो आजकल हम देखते हैं रिफाइंड चीज़ें जितनी हैं जितनी पैकेट वाली चीज़ें हैं जितनी बॉटल वाली चीज़ें हैं जिस पैकेट के पीछे केमिस्ट्री लैब जैसी चीज़ें लिखी हों वो वाली चीज़ें ना बड़े खाएं ना बच्चे खाएं जितनी नेचुरल चीज़ें खा सकते हैं उतना बेटर है. आपने अगर कुछ फास्ट फूड बनाना है घर पे बना के खिला दें घर पे एज ए मदर आप फिर भी उसको हेल्दी बना के खिलाएंगे. सो बाज़ार में जितने जो चीज़ें मिल रही होंगी उसमें वो आपकी हेल्थ के लिए नहीं वो खाना बन रहा है उनकी हेल्थ के लिए बनता है ज़्यादातर. जो पैकेट में भी चीज़ें आती हैं वो आपकी हेल्थ के लिए नहीं ज़्यादातर मतलब वो मैं स्नैक्स वगैरह की ज़्यादा बातें कर रहा हूँ वो उस बिज़नेस की हेल्थ के लिए ज़्यादा ज़रूरत है. सो होम मेड थिंग्स घर में बना के जितनी चीज़ें हैं जो बनेंगी चांसेस आर दे आर हेल्थ. नेचुरली आप ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी बहुत ज़्यादा फ्राइड avoid that because they are okay. Salt I must mention salt is a biggest problem in India even for diabetic logon ke liye bhi dhyan rakhein salt ko control kare. Hamare yahan pe average Indian double salt khata hai jitna hame khana chahiye. Ek time tha theek tha mehnat karte the paseena aata tha khana padta tha but ab cities mein hamari jo salt ki sodium ki consumption hai at least दुगनी है जितनी हमें खानी चाहिए उससे ज़्यादा राइट. सो डायबिटिक लोग भी सिर्फ चीनी नहीं सॉल्ट भी कंट्रोल करना है. सो कीप दैट इन माइंड. सो ना ज़्यादा चीनी ना ज़्यादा नमक ना ज़्यादा तला हुआ एंड दैट्स इट. मिर्च मसाला वैसे बेचारे बच्चे कोई बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते राइट. घर पर बनाएं थोड़ा सा मेहनत बच्चों के लिए करें बच्चों को साथ में ले कर चलें उनको कहें कि अच्छा आ जाओ हमें हेल्प करो एंड दैट बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू. फ्रूट्स सबसे ज़्यादा खिलाएं फ्रूट्स बच्चों को स्पेशली बच्चों को क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल विटामिंस प्योरेस्ट वाइटैलिटी एंड इजीली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी एंड इमीडिएट अवेलेबल एनर्जी टू देम स्पेशली एनर्जी टू फोकस एंड टू बी क्रिएटिव इन लाइफ. थैंक यू सो मच सर. सो बेली फैट जो है ओवरनाइट नहीं आता है टाइम लगता है समय लगता है. बॉडी बड़ी रेजिलिएंट होती है आपके जितने अत्याचार हैं जिंदगी भर के वो सहती जाती है एक दिन हफ्ता दो हफ्ते महीने साल तक सालों तक सहती रहती है एंड फैट जो है इट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड क्योंकि धीरे धीरे होता है तो हमें लगता कभी भी कम कर लेंगे हमें पता है वी कैन डू इट बहुत आसान है. कितना बड़ा इतना ही तो बड़ा है क्योंकि पिछली बार से थोड़ा सा ही बढ़ता है कभी हमेशा बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ा जिंदगी में नहीं कभी बढ़ा पिछली बार से पिछले महीने से पिछले हफ्ते से 10 साल में ऐसा हो गया. पुरानी फोटो देखी पुराने कपड़े देख ओ हो ये क्या हो गया. अब होता है कि अब इसको अब कोई रामबाण बना दे मिकी मेहता डॉक्टर और संजीव कपूर यहाँ पे आए और बताएं कि कैसे हम कम कर दें. जो अत्याचार सालों का है उस पर समय लगेगा समय देना पड़ेगा. सबसे ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए होते इंस्टेंट रिजल्ट. हम चाहते हैं कि आज शुरू किया 3 महीने हमने दे दिए हो गया ये नहीं गिना कि पिछले 15 साल में बढ़ाया था उसको 3 महीने में कम करने की कोशिश कर रहे हैं अगले साल छा दिया तब फिर भी 1 साल ही तो मिला आपको. सो रिमेंबर अगर आपको ड्रास्टिक रिजल्ट चाहिए तो नहीं मिलेंगे ड्रास्टिक रिजल्ट टेम्परेरी मिलेंगे. धीरे 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 करके कम करें मेक इट योर लाइफ मिशन किस तक ऐसे रहना है ऐसे फिट रहना है एंड देन स्टे देयर मॉनिटर इट.
सो बेली फैट नेचुरली डाइट का कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू मी कम से कम 70-75% है. तो आप एक्सरसाइज और डाइट में देखें तो डाइट में 70-75% कॉन्ट्रीब्यूशन बाकी एक्सरसाइज का हो सकता है. सो अब इम्पोर्टेंस कितनी है सोच लीजिए क्या करना है आपको, कि क्रेविंग्स कितनी लानी है, क्या करना है, इट्स ए ट्रेड ऑफ राइट. मुंह को अच्छा दिखना है या दूसरों को अच्छा दिखाना है, आप में चॉइस है एंड यू लिव विद दैट चॉइस. सो मेक अ चॉइस दैट यू कैन लिव प्राउडली विद. हाउ टू गेट सेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज जनरली पीपल आस्क दिस क्वेश्चन के हम अपने आप को प्रेरणा कैसे दें एक्सरसाइज करने के लिए रोज, ये बहुत यू नो दिक्कत है, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं. सो सेल्फ मोटिवेट करने के लिए लुक एट योर सेल्फ, इमेजिन योर सेल्फ 30 years अगो, ओके, एंड देन 20 years अगो, देन 10 years अगो एंड टूडे. सी द वे you've destroyed yourself, not you, you're doing very good, but for people who want to self-realize, look at yourself when you take a bath and self-realize, self-actualize, evaluate what you need to do, assess and get into it with self-love. Very, very important. Remember one thing, that if you love your family a lot, you are responsible for your family first. So if you love your family a lot, be responsible and do everything it takes to serve your family for the longest time. So you have to be well, especially for ladies who are mothers and wives and grandmothers and in-laws, you have more responsibility because you are laden with emotions, sentiments and more love. So you need to do much more for yourself to look after yourself so that you can serve this world better. So I always tell people that become selfish, prioritize yourself, serve yourself so well so that you can serve this universe better. Thank you so much, sir, for answering it so beautifully. Fasting as a way of life and regular fasting, we do it. Aaj se nahi, bahut pehle se karte hain, aap bhi karte hain. We fast between meals, right? Some people fast for few hours, some people for 2 hours, some people for 3. Some have special conditions, they cannot fast longer. Most people who fast intermittently, this 12 and 16 hours minimum gap wala jo karte hain, I've seen they are doing it for a purpose to keep their weight in check. Most of them do that, uski wajah se unka wazan bhi kam ho jata hai. Kyun kam hota hai? Utni der muh band rehta hai unka. So that is a discipline they get into. People who can fast intermittently or follow that diet means they have a good discipline. That means they can actually do much better. They can create a way of life, choose better things, choose moderation, and they can regulate their life and not get into this ki abhi khana khane ki ichha hi maine maar di, aise kar diya. So I have seen that people who can do anything successfully can do most things successfully. So it's a choice. For some people it works, some people it don't. It does not work. Jinke liye kaam karti hai, iska matlab hai unka self control better hai, right? So you will see that. But other than that, fasting once a week is very good. Okay. बट ये वाले जो हैं इसमें ऐसे हैं, बहुत सारी हैं इंटरमिटेंट के, इतने मतलब वो हो चुके हैं. सो आई से जो हमारा बैलेंस डाइट, जिस तरह से हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिस तरह से हमारा खाने का बैलेंस बना हुआ है, जो हम खाते हैं उसमें मॉडरेशन रखेंगे, यू हैव सिमिलर और बेटर रिजल्ट्स. जस्ट वन मोर थिंग, द वेरी वर्ड फास्टिंग इज एक्चुअली इन रियल टर्म्स स्लोइंग डाउन. Which means that let's say you take a trash can and you put your breakfast inside, your mid-meal snack inside, your lunch inside, your tea time snack inside and your dinner inside. See the state of that bin next morning. Similar is your state with years of eating like that. So when you fast, you literally create space for that to get cleared, for the dustbin to get settled and cleared. Empty it, clean it, cleanse it,
एंड क्लेंजिंग इज ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्डर बैक. क्लेंजिंग इज ब्रिंगिंग अबाउट रीओरिएंटिंग ऑफ योर फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बैक एंड रीसेटिंग योर बॉडी क्लॉक्स अगेन. इट्स वेरी सिंपल. बट एज संजीव सेज कि अति मत करना. इफ यू हैवंट बीन अब्यूजिंग योर बॉडी सो मच देन इट्स गुड टू फास्ट वंस अ वीक. अ फ्रूट फास्ट विल वर्क, अ सैलड फास्ट विल वर्क और समटाइम्स इवन प्लेन वाटर फास्ट विल वर्क. Thank you so much, sir, for your deep insights, especially on this question, because I'm sure a lot of people must be wondering, first of all, what is intermittent fasting and how does it affect our health?